देख सकते हैं। तो ये रही हम लोगों की बैटरी जो कि 7.2 एम्पियर की है। और मल्टीमीटर तो डायरेक्ट चार्ज करने के लिए कुछ नॉर्मली करना नहीं, ऐसे ही लगा दीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा डायरेक्ट चार्ज करने में, तो आप क्लिप्स लगा सकते हो, अगर नहीं बन है तो तब भी नहीं लगा सकते। तो जैसे लगा दिया है तो अपना ये रहा। तो सबसे पहले पैनल के अंदर एम्पियर और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मैं कनेक्ट कर देता हूँ पैनल से इसे। ये देखिए 19 वोल्टेज आ रही है अभी, ये पैनल की वोल्टेज है। चलिए एम्पियर भी देख लेते हैं, पैनल कितना एम्पियर निकालना है। डायरेक्ट हम लोग चेक करेंगे तो ये देखिए 0.47 एम्पियर निकाल रहा है, जो कि अच्छे हैं। और इसका मैक्सिमम जो है 0.57 का है, लेकिन इतना कभी नहीं निकाला, 50 तक तो पहुंच ही गया था। तो इस टाइम में आप लोग डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो 10 वाट के पैनल से ये वाली बैटरी। अगर आप चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो फिर आपकी चार्ज जल्दी नहीं होगी। आप अगर 20 वाट का पैनल यूज़ कर रहे हो तब हो सकती है आपकी, आप चार्ज कंट्रोलर तब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 10 वाट का पैनल है और 7 AH की बैटरी है तब आपकी ये जल्दी नहीं चार्ज हो सकती है। आप डायरेक्ट चार्ज करें तब हो सकती है आपकी 5 घंटों में। तो देख सकते हैं, सबसे पहले अब मैं ये जो बैटरी है मेरी इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो सोलर पैनल के मैंने तार हटा दिए, तो देखिए इसकी वोल्टेज आप देख सकते 12.21 वोल्टेज है ये देखिए। तो फिर हम दो पैनल लगाते हैं तो मैं दिखाता हूँ कि ये बैटरी कितनी तेज़ी से चार्ज हो रही है। तो अभी मैं पैनल के कनेक्शन में करता हूँ बैटरी से। तो ये देखिए अब मैंने बैटरी से कनेक्शन कर लिए हैं और बैटरी अपनी चार्ज हो रही है। तो अब देखते हैं कि कितनी जल्दी चार्ज हो रही है और बात को देखेंगे कि कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है। तो ये सब चीज़ें का आपका ध्यान रखना है। आपके पास मल्टीमीटर है तो आपको चार्ज कंट्रोलर खरीदने की नहीं जरूरत। ये देखिए अभी आप देख रहे थे 12.22 था, लेकिन अब देखिए कितनी तेज़ी से चार्ज हो रही, 12.33 पहुंच गया। तो आप देखते हैं कि बैटरी कितने एम्पियर ले रही है चार्ज होने में। तो इसे मैं ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो हम लोगों को पहले ये जो प्लस वाला है इसे हटा देना है और मल्टीमीटर का माइनस वाला लगा देना है इसमें। माइनस वाले सोलर के में कुछ नहीं करना और इसे इस तरह लगा देते हैं जो प्लस है प्लस। बस यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लगा दिया पूरा कनेक्शन और अब देखते हैं कि बैटरी कितने एम्पियर ले रही चार्ज होने में। तो ये 0.56 एम्पियर ले रही है, जो कि इतने भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीमे धीमे करके बैटरी ज़्यादा एम्पियर लेती जाएगी। अब शुरुआत में आप लगाएंगे तो कोई कम ही लेगी। तो अभी हम लोग फिर से देख लेते बैटरी अब कितना पहुंच गई है। तो इसे मैं नीचे लगा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा 11 हो गई है। तो अगर आप रोड भी चलाएंगे तो थोड़ा डिसेंड होती रहेगी, इसलिए आप जब बैटरी चार्ज करें तो ज़्यादा लोड मत चलाएं। जैसे कि फैन चलाना है तो आप ना चलाएं, बात को चला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।